राफेल डील में न्यायालय ने द्वारा दी गई क्लीन चिट के बाद सत्ता पक्ष बीजेपी ने विपक्षी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। बीजेपी नेता दीपक शर्मा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने राफेल डील को लेकर गलत बयानबाजी करके लोगों को गुमराह किया है और राहुल गांधी देश के लोगों से माफी मांगे। वहीं उन्होंने बताया कि बीजेपी ने जजपा से गठबंधन करके प्रदेश के लोगों को स्थायी सरकार देने का काम किया है। बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ क्यों प्रदर्शन किया, इस बारे में खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने पंचकुला भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा से। भाजपा ने आज कांग्रेस के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया, इसके पीछे क्या कारण है और भाजपा कांग्रेस के खिलाफ क्यों प्रदर्शन कर रही है, इस समय मेरे साथ हैं पंचकुला जिला भाजपा अध्यक्ष दीपक शर्मा, इनसे जानते हैं। जी शर्मा जी, जो ये कांग्रेस का पर्दाफाश हुआ है, जो लगातार कांग्रेस राफेल को लेकर झूठ बोल रही है, उसका जिस प्रकार से न्यायालय ने क्लीन चिट दिया है भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को, केंद्र की, वो सारी चीज़ें हम जनता के बीच में लेकर जा रहे हैं कि कांग्रेस ने इसको मुद्दा बनाने के लिए झूठ बोला और गुमराह किया पूरी जनता को। आज निर्णय आने के बाद ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं कि किस प्रकार से कांग्रेस झूठ बोलकर राजनीति करती है और ये लोग खुद इन सब, चाहे वो जीप घोटाला रहा, बफर्स का घोटाला रहा, कितने ही घोटालों का मैं नाम लूँ, इन घोटालों को वो करते रहे, उनमें शामिल रहे, तो आज उनको दूसरों में भी यही नज़र आता है। लेकिन जिस प्रकार से मोदी जी का पाक दामन साफ आया सामने सबके, वो ये दिखाता है कि आज पूरे विश्व में उनके नेतृत्व के बराबर का कोई ईमानदार छवि का नेतृत्व नहीं है। शर्मा जी, जो विपक्ष है कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है, कहते हैं कि जो मैंडेट भाजपा को मिला है उसमें वो सरकार नहीं बनानी चाहिए, उनको विपक्ष में बैठना चाहिए, और जो अब जजपा के साथ गठबंधन हुआ है वो बेमेल है। ऐसा है कि जिस प्रकार का भी मैंडेट जनता ने दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने उसको स्वीकार किया है। अगर उसको आप देखेंगे, सबसे ज़्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली, जो 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी लेकर आई, लेकिन बहुमत से थोड़ा शॉर्ट रह गई है, तो उसको लेकर जो बड़ा दल है 10 सीटों को लेकर जजपा को हमने बीच में मिलाया है, दोनों मिलकर 5 साल स्थायी सरकार जनता को दे सकें, ऐसा हम सब लोग एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अंदर प्रयास कर रहे हैं और ये एक जनता का ही मैंडेट है जिसका हम मान सम्मान कर रहे हैं, और दूसरी पार्टी को तो 30 सीटें 31 सीटें मिली हैं। शर्मा जी, कांग्रेस का कहना है कि भाजपा को विपक्ष में बैठना चाहिए था क्योंकि 50 सीट जो विपक्ष को मिली हैं और 40 सीट ही भाजपा ले पाई है चुनाव। देखिए, कांग्रेस को अपना कहना है, लेकिन ये स्पष्ट है कि जनता ने हमें सरकार चलाने के लिए मैंडेट दिया है और हम सब लोग उसको मिलकर चलाएंगे, 5 साल स्थायी सरकार चलेगी, विपक्ष का भूमिका में वो रहेंगे, विपक्ष की भूमिका का काम करते रहेंगे वो। ये थे मेरे साथ पंचकुला भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा, इन्होंने आज कांग्रेस के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस जो लगातार राफेल का मुद्दा उठा रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्लीन चिट दे दी है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, पंचकुला।